हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर भी कर दीजिए। आपको इस वीडियोस की ज़रूरत नहीं है तो आपको आपके कोलिग्स को, आपके फ्रेंड्स को इस वीडियोस की या फिर इस सॉल्यूशंस की ज़रूरत होगी टेली सॉफ्टवेयर में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है के रीऑर्डर लेवल पे पॉपअप मैसेज कैसे देखें हम। क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत से लोग रीऑर्डर सेट तो कर देते हैं बट एवरी टाइम वो हम डिस्प्ले में जाके, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाके, रीऑर्डर स्टेटस में जाके रीऑर्डर स्टेटस को चेक करना पड़ता है। तो उसमें पता चलता है कि शॉर्टफॉल्स कितने हैं और रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी कितना है हमारा। तो ये कस्टमाइजेशन के थ्रू हमने एक पॉपअप मैसेज रखा है कि एंट्री लेवल में ही हमको रीऑर्डर लेवल और शॉर्ट फॉर्म कितने हैं उसका बोल के हमको दिख जाएगा। इसमें परचेस की एंट्री मैंने एक की है, ये डेमो के लिए आपको दिखाने के लिए, कि परचेस एंट्री में 110 क्वांटिटीज डाला हूँ, 95 रुपीज से परचेस किया है। इसमें रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी 50 में सेट की है मैंने। 50 पीसेस अगर से है हमारे पास तो रीऑर्डर लेवल दिख जाएगा। अगर 50 पीसेस से कम है तो रीऑर्डर लेवल में पॉपअप मैसेज हमको दे देगा, सेल्स इनवॉइस में पॉपअप मैसेज दे देगा रीऑर्डर लेवल का। चलिए एक बार रीऑर्डर लेवल में देख लेते हैं। आइटम 50 क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी मैंने सेट की है। ओके, अभी मैं सेल्स इनवॉइस कर रहा हूँ। अभी आपको अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद परचेस और फंड चेक, इसमें 110 क्वांटिटी मैंने सेल कर रहा हूँ। मैं 1250 से सेल कर दिया तो अभी सेव हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद मैं दूसरा कस्टमर लेता हूँ पार्टी, उसको हमारे पास स्टॉक आके अवेलेबल 100 है तो मैंने रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी सेट की है 50 के ऊपर। अगर 50 से कम होगा तो हमको यहाँ पे पॉपअप मैसेज एक दिखा देगा। क्वांटिटी 51 डाल रहा हूँ मैं, एंटर। ये देखिए, नेट अवेलेबल 49, रीऑर्डर लेवल 50, शॉर्टफॉल एक के एक शॉर्टफॉल है बोल के भी यहाँ पे दिखा रहा। अगर से हमने यहाँ पे 50 लिया तो कुछ नहीं दिखाएगा, 55 लिया तो हमको शॉर्टफॉल भी 5 शॉर्टफॉल दिखा देगा। रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी 50 दिखाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।